हेलो बच्चों, कैसे हो आप? वेलकम टू लकी एजुकेशन। हमारा जो बेटा जो सीरीज चल रहा था चैप्टर नंबर 2 में, मैंने एक वीडियो और बोला था आपको कि एक वीडियो और कराऊंगा मैं, ठीक है? तो वो वीडियो हम यहाँ पर देख रहे हैं और ये चैप्टर नंबर 2 इस वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगा। कुछ रीज़न की वजह से आपकी जो वीडियोज हैं वो नहीं डल पाई, लेकिन अब कंटिन्यू जो है वो आपकी वीडियो डलेंगी। तो सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो वीडियो को बिल्कुल वॉच करते रहें और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहें, ठीक है? तो चैप्टर नंबर 2 में जो क्वेश्चंस जो हैं वो 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन जो और थोड़े से लॉन्ग रह गए थे, वो आपको पता है मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये मैं आपको पहले बता चुका था, डिराइव द, एक बार फिर बता दे रहा हूँ, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसके कारण आपसे पूछ सकता है कि पॉइंट चार्ज के कारण बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता दो, ठीक है? तो ये आपको मॉडल पेपर में भी गिवन है, जो राजस्थान बोर्ड का इस साल का जो मॉडल पेपर आया हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हम इसको किस तरह से फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आप देखें बेटा कि एक पॉइंट चार्ज है Q, जो कि बेटा O पर रखा है। यहाँ से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या बेटा P, जहाँ पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो हम करते हैं क्या बेटा, एक इन्फाइनाइट से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पी पॉइंट तक लेकर के आते हैं। तो आपको पता है रिलेशन मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता था वो कितना होता था, माइनस का इन्फाइनाइट टू कहाँ तक ला रहे बेटा, आर तक, ई डॉट डी आर, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रिलेशन है वो कितना होता है, वी इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट टू कहाँ तक ला रहे बेटा, आर तक, ई डॉट डी आर। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द पॉइंट चार्ज कितनी होती है बेटा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमने देखा कि वी इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट टू आर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू कितना बेटा, डी आर। के क्यू कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लेंगे बेटा, और आपको पता है 1/r² का इंटीग्रेशन माइनस का 1/r होता है इन्फाइनाइट टू आर, माइनस माइनस प्लस हो जाता है के क्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट द अपर लिमिट, आफ्टर दैट वी पुट द लोअर लिमिट। 1/∞ पता है आपको कितना होता है, 0 होता है। तो पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना है, के क्यू अपॉन आर। तो ये आपको 1.5 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है पहला डेरिवेशन। दूसरा डेरिवेशन आपको ये पूछ सकता है बेटा, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का आपसे कैपेसिटेंस पूछ सकता है। दोनों ही केस में आपको करा रहा हूँ, पहला केस एयर या वैक्यूम के केस में और दूसरा जो है मीडियम के केस में। लेकिन मीडियम का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा कंप्लीटली फिल्ड, यानी डाइलेक्ट्रिक जब कंप्लीटली फिल्ड कर देंगे उन प्लेट के बीच में तो कैपेसिटेंस कितना होगा, ये चीजें आपको देखनी है। तो सबसे पहले आप देखें बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आपको पता है कि जब सेम साइज, ठीक है, सेम साइज और सेम एरिया की दो प्लेट जो है, जिन पर एक पर चार्ज कितना बेटा प्लस क्यू, दूसरे पर कितना बेटा माइनस क्यू, इसकी डेंसिटी कितनी है प्लस सिग्मा, इसकी कितनी बेटा माइनस सिग्मा, और ये
स्मॉल डी डिस्टेंस या डी सेपरेशन पर क्या होती है, प्लेस्ड होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आपको पता होना चाहिए कि यहां जो है वो क्या होता है, प्लस चार्ज, और इधर कितना होता है बेटा, माइनस चार्ज। एक चीज मैं आपसे बताता हूं कि यदि आपसे कोई कुछ क्वेश्चन पूछता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर नेट चार्ज कितना होता है, तो नेट चार्ज की यदि हम बात करते हैं तो नेट चार्ज तो बेटा जीरो होता है, लेकिन कंसीडर हम कैसे करते हैं कि प्लेट पर जो चार्ज है वो हम मानते हैं बेटा पॉजिटिव। कौन सा मानते हैं, पॉजिटिव। तो ध्यान रखना है आपको ये चीजें। अब इसका कैपेसिटेंस कैसे देखेंगे, देखो देर आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर यदि हम देखें तो कितनी होगी, प्लस वाले चार्ज के कारण E1, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, माइनस के कारण देखेंगे तो E2 कहाँ होगा, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। नेट फील्ड की यदि बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कितनी होती है, E=E1+E2। ये आपको पता है कि एक प्लेट के कारण जो है वो कितना होता है, σ/2ε0, दूसरा σ/2ε0 कितना हो जाएगा, σ/ε0। ये भी आपको पता होना चाहिए, पता होता है कि सिग्मा जो है वो कितना होता है बेटा, Q/A होता है, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो E की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई है, Q/A/0, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। तो ये दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर जो है वो कितनी है, Q/A/0। आगे देखो, आपको यदि देखें कि इस प्लेट जो है, इस प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, V=E×D होगा, इक्वेशन नंबर 2। फिर हम करते क्या हैं, इस E की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो ये कितना होगा, Q/A/0×D, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। आपको कैपेसिटेंस निकालना है तो C की वैल्यू कितनी होती है, Q/V। C की वैल्यू कितनी होती है, Q/V। तो V की वैल्यू को पुट करते हैं तो कितना, Q/D/A/0। Q से Q कैंसिल आउट हो जाता है और C कितना होता है, A/0/D। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है किस केस में बेटा, एयर और वैक्यूम के केस में, ये भी आपसे डेरिवेशन पूछा जा सकता है, ठीक है। तीसरा केस जो है इसमें बेटा, मीडियम की यदि बात करें कि यदि इसमें बेटा डायलैक्ट्रिक फील्ड कर दे बेटा, जिसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट K बोल दें, या फिर क्या बोल सकता बेटा, εr बोल दे, तो उस केस में जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना होता है, जिसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन में कि जब हम मीडियम में यदि हम कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालें तो आपको पता है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज करता है उतने ही टाइम्स, लेकिन फोर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि फोर्स क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो देखते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर हम देखें तो E जो है वो E1+E2 जो होगा ना, यहाँ पर εr की जगह εm आ जाएगा मीडियम का, तो ये कितना होगा, εm। क्लियर बेटा तक? अब आपको पता है कि σ=Q/A होता है, तो Q/A/εm। आपने बेटा चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि εr जो है वो εm/εo होता है, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी जो है मीडियम और वैक्यूम की जो परमिटिविटी होती थी उसका रेशियो होता है। तो यहाँ से हम देखें कि εm की वैल्यू कितनी आती है, εr/εo। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि εm की जगह हम क्या लिख लेते हैं, εr/εo। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब देखो बेटा, इस E की वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं, सेम कंसेप्ट है, εr/εo। ओके बेटा, फिर C=Q/V होता है, फिर इस वैल्यू को पुट करते हैं तो ये एप्सिलन जो r/εo है तो ये कितना हो जाएगा, εr/εo। तो यहाँ पर भी कितना आएगा, εr/εo। तो आप देखें बेटा ये कितना हो जाता है बेटा, εr। तो ये मीडियम के लिए मैं cm यूज कर ले रहा हूँ, तो cm जो है वो कितना है, ये तो एयर का है जो कि C/εr। तो आप क्या देख रहे हो कि जो मीडियम की परमिटिविटी जो है, जिसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट आपको दे रखा है बेटा εr, तो मीडियम में कैपेसिटेंस जो है उतने ही टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। तो ये आपको देखना है थर्ड डेरिवेशन। एक बार दोबारा से
पॉइंट चार्ज के कारण पता है आपको के क्यू अपॉन आर। दूसरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और मीडियम में हमें देखना है तो एप्सिलॉन आर टाइम्स ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। इसमें मैंने आपको एक न्यूमेरिकल्स भी बताया हुआ है कि इससे बेस जो है वो न्यूमेरिकल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद में बेटा देखो एक जनरल पॉइंट आर कॉमा थीटा पर भी पोटेंशियल की वैल्यू पूछता है, लेकिन यहाँ वन एंड हाफ में नहीं पूछ पाएगा आपसे। तो यहाँ हम उसको बेटा ऑब्जेक्टिव के लिए देख सकते हैं कि आपको मैंने बताया हुआ है कि जनरल पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक है। के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है, और इक्वेटोरियल की यदि बात करें तो थीटा की वैल्यू 90 होती है, तो यहाँ से पोटेंशियल की बात करें तो जीरो होगा। एक्जियल की यदि बात करें तो थीटा कितना होता है, जीरो होता है, तो वी कितना होगा, के पी अपॉन आर स्क्वायर होगा। तो ये चीज़ें आपको देखनी है, सहूलियत हो जाएगी आपको। एक डेरिवेशन और करा रहा हूँ आपको कि वो डेरिवेशन जो है वो डेरिवेशन कौन सा है। कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड का भी डेरिवेशन आपसे पूछ सकता है कि कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड बता दो बेटा, ओके। तो ये डेरिवेशन और देख रहे हैं हम, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, ये भी आपसे पूछ सकता है कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर बता दो। तो इसके लिए देखो बेटा हम कर क्या रहे हैं, हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और वैसे आपको पता है कि जब भी हम एनर्जी की बात करते हैं ना तो हम क्या निकालते हैं बेटा, वर्क डन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, वर्क डन, और वही वर्क डन जो है वो एनर्जी के रूप में स्टोर होने लगता है, ओके। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, वर्क डन निकालेंगे। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू डिस्प्लेस अ चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू द अनदर प्लेट, उसको हम बोलेंगे बेटा पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बेटा इस पर चार्ज कितना है, प्लस क्यू, इस पर कितना है, माइनस क्यू, बीच का सेपरेशन कितना बेटा, डी। अब यहां पर हम बोलते हैं कि किसी स्टैंड पर, किसी स्टैंड पर ठीक है, किसी स्टैंड पर जो पोटेंशियल है इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना है, क्यू अपॉन सी। इसको हम इक्वेशन नंबर वन कंसीडर कर दें। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हम एक dq चार्ज को, किसको बेटा, dq चार्ज को डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो जब हम एक dq चार्ज को एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक जब डिस्प्लेस करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क जो है वो क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि चार्ज भी कितना है, छोटा है। तो आपको पता है कि dw जो है वो कितना होगा, vdq होगा। पोटेंशियल की डेफिनेशन आपको पता है कि पोटेंशियल जो है वो क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज, ओके। तो देखो V की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो dW इक्वल टू Q अपॉन C इंटू कितना बेटा, dQ, इक्वेशन नंबर थ्री। और आपको पता है कि dW से हमें W चाहिए, क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसका मैं इंटीग्रेट करूँ तो देखो इधर इंटीग्रेट, तो dW का कितना होगा, W, ठीक है। और यहाँ लिमिट लगाएंगे, इनिशियल तो चार्ज कितना बेटा, जीरो है, और फाइनली चार्ज कितना दिया मैंने, Q। तो यहाँ पर हम देखें वन अपॉन सी तो कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, क्यू डी क्यू का कितना होगा, क्यू स्क्वायर बाई टू जीरो से कैपिटल क्यू। तो डब्ल्यू इक्वल टू वन बाई सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट द अपर लिमिट क्यू स्क्वायर बाई टू माइनस जीरो लोअर लिमिट, तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना होगा, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी। और यही वर्क डन जो है वो एनर्जी के रूप में स्टोर होने लगता है, जो कि कितना है, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी। न्यूमेरिकल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ओके। इसके फॉर्मूले और भी बन जाते हैं, आपको पता है बेटा कि Q बराबर कितना होता है, CV होता है। तो यहाँ से मैं Q की वैल्यू CV रखता हूँ तो देखो U इक्वल टू Q स्क्वायर है तो C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन टू सी, एक सी से एक सी कैंसिल आउट होगा, वन बाई टू सी वी का स्क्वायर। तो ये भी आपको एनर्जी का रिलेशन न्यूमेरिकल्स के लिए याद रख सकते हो या ऑब्जेक्टिव के लिए। एक और रिलेशन, एक बार आपने Q की वैल्यू रख दी, एक बार आप C की वैल्यू रखोगे तो C की वैल्यू कितनी होगी, Q अपॉन V, पुट करते हैं Q स्क्वायर अपॉन टू सी, और C कितना, Q अपॉन V,
एक क्यू से क्यू कैंसिल आउट, तो 1/2 कितना बेटा क्यू वी। तो ये रिलेशन जो है वो आपको देखना है। ओके बेटा, तो ये कंडीशन जो है वो आपको वन एंड हाफ मार्क्स में जितने भी क्वेश्चन थे वो मैं आपको बता चुका हूँ, और आप ऑब्जेक्टिव के लिए भी आप ट्राई कर सकते हो। और बाकी के जो वन एंड हाफ में मैं और पहले से बता चुका हूँ आपको, इक्विपोटेंशियल सरफेस से ड्रॉ करने के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 से आपके मैक्सिमम जो क्वेश्चंस जो आपके आरबीएससी 2022 फिजिक्स के पेपर में जो क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी बनती है वो मैं यहाँ पर डिस्कस करा चुका हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम चैप्टर नंबर 3 से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे उनसे हम रिलेटेड वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।